हेलो। दुगा बेटा, असफन किसी सूरत में नहीं मान रहा। देखो बेटा, मैं तुम्हारे अबू से बात नहीं कर सकती, दोनों बाप बेटे में इख्तलाफ ना हो जाए। लेकिन अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये लोग बहुत सीरियस हैं। अगर हमने इनकी बात नहीं मानी तो मुझे नहीं बख्शेंगे ये लोग। अरे, एक तो मुझे इन लोगों की समझ नहीं आ रही, इस तरह दोस्त से कौन अपनी बेटी देता है। भाई, हमें थोड़ा वक्त तो दें। अम्मी, जो भी है, आज ये लोग दावत पे आ रहे हैं, आप खुद ही संभालिएगा। क्या करती हो तुबा? अदील तुम्हारा शोहर है। तुम हमसे ज्यादा उसे अच्छे से समझा सकती हो। अम्मी, आप नहीं समझ रही, ये लोग तो अपनी तरफ से रिश्ता पक्का समझ के बैठे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। आप खुद ही बात कीजिएगा, खुद ही हैंडल कीजिएगा इस मसले को। खुदा हाफिज। भाभी, वो मैं चाय चाय पूछने आई थी, क्योंकि एल्बम पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा देख लूं। चाय कोई बात नहीं। पियेंगी ना? मैं हाँ। भी लेके आती हूँ। दिमाग तो ठीक है यार, क्या मेरा जस्ट रिलैक्स, अंदर चल के बात करते हैं। तुम्हें अंदाजा भी है कि इस सारी सिचुएशन का क्या मतलब है? यार देखो, जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये मैं नहीं कह रहा, ये तुम्हारी पुप्पी साहिबा चाह रही हैं। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि पुप्पो क्या चाह रही है या तुम्हारे घर वाले क्या चाह रहे हैं। असल अगर मुझसे जल्दबाजी में कोई फैसला हो ही गया है तो प्लीज उसको मेरी सजा मत बनाओ। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हें बीच रास्ते छोड़ दूंगा? देखो, मैं मानता हूं कि जल्दबाजी में हमसे एक ऐसा फैसला हो गया जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं इस पे कोई गलत मोहर नहीं लगने दूंगा। ये दिल तन्हा।